गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और हम लोग कहाँ हैं अभी, तो 44वीं बीपीएससी प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन आंसर दिख रहे थे। उसमें इससे पहले हम लोग 76वें क्वेश्चन तक आ चुके हैं और 77वें से शुरू करेंगे। तो 76वां नंबर क्वेश्चन किया था जो हमने इससे पहली बार देखा था, एक बार और देख लेते हैं कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। तो पश्चिमी घाट ये भारत में किसकी बात हो रहा है, तो भारत की सीमा रेखा है, मान लीजिए दक्षिण भारत है, इसके पश्चिमी और पूर्व में पहाड़ हैं, तो पश्चिम के पहाड़ को पश्चिमी घाट और पूर्व वाले पहाड़ को पूर्वी घाट कहा जाता है। और जो पश्चिमी घाट है इसके अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम हैं, जैसे महाराष्ट्र से कर्नाटक तक इसका क्या नाम है, तो इसको वहाँ पर सह्याद्री कहा जाता है। वहीं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर मिलता है उस बिंदु को कहा जाता है नीलगिरी। तो क्वेश्चन के अनुसार इसका उत्तर कौन होगा, तो ए यानी नीलगिरी पर्वत माला। क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। तो 77 में क्या था कि दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई थी, तो आज़ादी के बाद अगर भारत में कोई पहला बहुउद्देशीय परियोजना बना था तो यही था, यानी दामोदर घाटी निगम। और कब, तो 1948 में। और यह आधारित किस पर था, तो यह अमेरिका की टेनेसी घाटी योजना से प्रभावित होकर बनाया गया था, इसका निर्माण कार्य हुआ था। और यह बिहार और तत्कालीन बिहार और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना थी, लेकिन अब कहा जाए तो यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है। और इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, इवनिंग स्टार हो या मॉर्निंग स्टार हो, सुंदरता की देवी हो, जो कुछ भी आ जाए, सबसे चमकीला तारा आ जाए, अगर ग्रह आ जाए तो क्या, तो सब के सब शुक्र ग्रह हैं। और ये इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसका वेट और पृथ्वी का वेट दोनों बराबर है और आकार भी बराबर है। बस अंतर इतना है कि यह बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं, लेकिन दुख की बात है यह बेचारा पूर्व से पश्चिम की तरफ चलता है। और इसका एक दिन पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होता है। और यह सबसे अगर गर्म ग्रह है तो यही शुक्र ग्रह है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है जो इसको एक बहुत गर्म चेंबर की तरफ बना देता है। किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र को परिवर्तित किया था, किन्होंने, तो ये हैं पैंक ने, क्यों, क्योंकि पहले डेविस महोदय ने अपवर्तन चक्र की प्रक्रिया दी थी। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि पहले एक पहाड़ का निर्माण होता है, जब पूरा निर्माण पूरा हो जाएगा तब इसका अपवर्तन शुरू होगा, इन्होंने कहा था। लेकिन पैंक ने कहा नहीं, जैसे बच्चा जन्म लिया यानी पहाड़ जब अस्तित्व में आया, जो उसका विकास भी जारी रहता है और अपवर्तन भी जारी रहता है, लेकिन जब पहाड़ या कोई क्षेत्र का अगर विकास रुक जाता है तब हमें अपवर्तन अधिक देखने को मिलता है। यही पैंक के और डेविस के अपवर्तन चक्र में अंतर था। आगे बढ़ते हैं, बिहार में तेल शोधक कारखाना एकमात्र तो है ही, कहाँ है, तो ये बरौनी में है। और ये तेल कहाँ से इसको मिलता है, कच्चा तेल, तो इसको कच्चा तेल असम के डिगबोई से आता है। और एस्किमो निवासी हैं, तो एस्किमो यानी हम लोग बचपन में पढ़ते थे क्या कि इग्लू घर बनता है किसका, तो बर्फ का बनाते हैं कौन, तो यही है लोग, कौन, तो इनका निवास कहाँ है, तो कनाडा है। यानी ये लोग उत्तरी ध्रुव के चारों ओर रस बसे हुए, कौन, तो एस्किमो। और कहाँ, तो ग्रीनलैंड से लेकर पश्चिम में अलास्का और बेरिंग जल डब्रूमध के पास साइबेरिया यानी रूस के क्षेत्र में भी बसे हुए हैं, एक पतली पट्टी में पाए जाते हैं। इस प्रकार ये ठंडे ध्रुवीय प्रदेशों में अत्यंत प्रतिकूल दशा में निवास करने वाले हैं, या कहा जाए कि दुनिया में अगर सबसे ठंडे प्रदेश में कोई जाति निवास करते तो वही ये लोग एस्किमो हैं। और ये लोग रेंडियर याक आदि को मारकर खाते हैं, क्योंकि वही इन लोगों का खाद्य का मुख्य एकमात्र सहारा है। और ये लोग जो घर बनाते हैं वो कैसा होता है, एक गोला सा घर होता है, वो बर्फ से बनाते हैं, ताकि वो बर्फ, हम लोग जानते हैं कि उसमें का कुचालक होता है जिससे वो वहाँ पर सही सलामत ये लोग ठंड से अपना सामना कर पाते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। संसार की छत किसे कहते हैं, संसार की छत यानी एक ऐसा क्षेत्र जो बहुत बड़ा हो। और यहाँ बात छत की बात हो रही है, मीनार की नहीं, मीनार रहता तो हम लोग एवरेस्ट कह सकते थे, लेकिन ये छत यानी वो फ्लैट लैंड भी होना चाहिए और उसका हाइट भी होना चाहिए। तो कौन है, तो पामीर का पठार, या अगर इसके ऑप्शन में तिब्बत का पठार रहता तो वो भी हो जाता। तिब्बत के पठार के उत्तर में कौन है, तो पामीर है, मतलब पहले हिमालय,
हिमालय के उत्तर में विशाल तिब्बत और तिब्बत के उत्तर में कौन हो गया, तो पामीर का पठार, जिसे संसार की छत कहा जाता है। इस पठार पर दोमट व लोएस मिट्टियों का अधिक विस्तार पाया जाता है। और रेगूर किसका नाम है, रेगूर एक मिट्टी का प्रकार है और ये काली मिट्टी का प्रकार है। कौन, तो रेगूर, रेगूर मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि खेती यानी बहुत उपजाऊ होती है और कपास की मिट्टी के लिए भी यह बहुत उपयुक्त है। क्यों, क्योंकि इसमें अगर हम खेती करेंगे तो पानी या सिंचाई की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ेगी, क्योंकि इनकी जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। और पिग्मी कहाँ के निवासी हैं, तो हर कोई जानता है कि पिग्मी अफ्रीका के निवासी हैं, बहुत ही नाटक के होते हैं और ये मुख्य इक्वेटोरियल क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कांगो बेसिन के बेल्जियम, कांगो, गैबोन, युगांडा आदि के सघन वर्णों में पिग्मी जाति के लोग निवास करते हैं। बहुत ही काले होते हैं और इनका हाइट बहुत ही छोटा होता है। और इन्हीं की एक प्रजाति कहा जाए तो भारत के अंडमान में भी पाई जाती है, जिसने क्या किया था, सेंट्रली इन लोगों ने एक अमेरिकन नागरिक की हत्या कर दी थी और बेचारा चुपके से अपने धर्म का प्रचार करने जा रहा था, बदले में धर्म की भेंट चढ़ गया। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर, तो भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है तो भारत कौन है, यही है गाडविन आस्टिन। और यह हिमालय की चोटी नहीं है, यह किसका, तो काराकोरम का रेंज की चोटी है और कहाँ पड़ता है, तो ये बाल्टिस्तान में पड़ता है। और पूछिए बाल्टिस्तान कहाँ है, तो ये पीओके यानी पाक ने जिस जमीन हमारा कब्जा कर रखा है उसी में ही स्थित है। और अगर पूछा जाए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊँची चोटी, तो वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है, तो सिक्किम में। कंचनजंगा की ऊंचाई 8594 मीटर है, जबकि गाडविन आस्टिन या K2 इसका ऊंचाई 8611 मीटर की हाइट पर है। आगे बढ़ते हैं, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया, तो आर्यभट्ट को 15 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। और कहाँ से छोड़ा गया, तो ये छोड़ा गया सोवियत यानी तब उस समय का रूस, बहुत बड़ा था, उसमें कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, लथुविया, यूगोस्लाविया के भी कुछ क्षेत्र, लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस, लाटिविया, बहुत सारे देश थे जो अब अलग अलग हैं, तो उसी में सब उसको क्या कहा है, उसको सोवियत संघ कहा जाता था। और उसका क्या जगह का नाम था, जैसे भारत में श्री हरिकोटा से उपग्रह सेटेलाइट छोड़ा जाता है, उसी तरह उसका नाम था कोस्मोड्रोम। क्या, कोस्मोड्रोम से सोवियत रॉकेट का क्या नाम था, तो इंटर कोस्मोस द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। और इंडोनेशिया के ऊपर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया, भारत के ऊपर ना, इंडोनेशिया के ऊपर स्थापित कर दिया गया था, लेकिन था तो भारत का ही। और इनसेट 2 कब छोड़ा गया, इसी तरह क्वेश्चन आएगा, अब तत्काल में भारत ने स्पाई रॉकेट उपग्रह छोड़ा था अभी हाल ही में जनवरी में, इन्होंने भारत सरकार किया तो Ariane 5 द्वारा, मतलब कोरू यानी क्या, तो फ्रांस का टेरिटरी है, कहाँ, गुयाना यानी लैटिन अमेरिका में, वहाँ से एक उपग्रह छोड़ा गया था जो अब तक का सबसे भारी उपग्रह है। और आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर जो पृथ्वी पर जल है उसको जलमंडल, स्थल को स्थलमंडल, तो वायु है तो क्या कहो, तो वायुमंडल कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेती है, अभी बात हो रहा है, मतलब क्या होगा कि हम लोग जानते हैं कि सूर्य क्या है, सौर मंडल के केंद्र में है, ये सूर्य है और इसके चारों ओर जो इसे रिलेटेड ग्रह हैं वो चक्कर काटते रहते हैं। तो सबसे नज़दीक बुध है, बुध के बाद शुक्र है, फिर अपना तीसरे नंबर पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद चौथे नंबर मंगल है, फिर बृहस्पति का नंबर आता है, उसके बाद में शनि का आता है और शनि के बाद में अरुण और वरुण, या कहा जाए तो यूरेनस एंड नेपच्यून। ये बात हो रही है यूरेनस की, तो यूरेनस कितना समय लगाती है, तो यूरेनस 84 साल लगाती है, किसके सापेक्ष में, तो पृथ्वी के सापेक्ष में, यानी उसके एक साल बराबर पृथ्वी का 365 दिन। आगे बढ़ते हैं, पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, पलामू की बात हो रहा है मतलब झारखंड, तो ये बॉक्साइड ऐश के लिए पलामू प्रसिद्ध है। और लोकसभा में अंगर भारतीय समुदाय से मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास, अब न रही। और आर्टिकल कितना, तो आर्टिकल 331 के द्वारा इनको मनोनीत किया जाता था, कितने, अगर राष्ट्रपति को लगे कि
अगर कि एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई भी सदस्य लोकसभा में चुनकर नहीं आया है तो वो दो व्यक्ति को नामित कर सकते थे। लेकिन और ये भी तो आरक्षण ही था, तो इस बार मोदी सरकार ने जो SC ST का आरक्षण कोटा है उसको रहने दिया, लेकिन इनको हटा दिया। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष, तो कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है भारत में, सब कुछ का अध्यक्ष, या भारत में किसके नाम से सब कुछ किया जाता है, तो सब कुछ राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो कहाँ है, तो भारत का अनुच्छेद 52 यह उपबंधित करता है क्या कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब राष्ट्रपति होंगे तो क्या करेंगे, तो उसमें लिखा है आगे आर्टिकल 53 में कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में, तो राष्ट्रपति के में ही निहित होगी, यानी सब कुछ राष्ट्रपति के नाम से होगा। और इसका प्रयोग तो संविधान के अनुसार वो या तो स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करेंगे। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है एक दूसरे तरीके से होता है, मतलब जैसा चुनाव भारत में अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या ग्राम पंचायत का होता है उस तरीका नहीं होता है। वो कैसे होता है, तो उसका नाम है एक स्पेशल, क्या देखिए याद कीजिए पहले, कि एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा और खुला बैलेट, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है, ये होता है एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा। और वहीं भारत में गुप्त मतदान के द्वारा किसका चुनाव होता है, तो जो हम लोग वोट देते हैं वो गुप्त मतदान के द्वारा होता है। अब समझते हैं कि एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली आखिरकार है क्या, तो लिखा हुआ है कहाँ कि भारत के संविधान के आर्टिकल 54 में स्पष्ट किया क्या कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल निर्वाचन मंडल द्वारा होगा, एक निर्वाचन मंडल बनाया जाएगा अब उसका चुनाव होगा। अब बात उठती है कि इस निर्वाचन मंडल में होगा तो इसमें कोई वोट देने वाला होगा, तो जब हम लोग वोट नहीं देंगे तो कौन वोट देगा, तो ये वोट देंगे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अर्थात अब कौन चुने हुए प्रतिनिधि बात आती है, तो इसको दो भाग में बांटा गया है, दो या तीन भाग में। सबसे पहला बात कि इस निर्वाचन मंडल में, हाँ तो इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन होगा, तो पहला कि संसद के दोनों सदन यानी भारत का पार्लियामेंट है, इसके लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा के सारे सदस्य, लेकिन राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के भी निर्वाचित, यानी अगर राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है तो इसमें वोट न करेंगे। राज्यसभा से राष्ट्रपति 12 लोगों को विभिन्न क्षेत्रों से नॉमिनेट करते हैं, तो उसको वो भी वोट नहीं दे सकता है। तब ये तो हो गया लोकसभा और राज्यसभा की बात। उसके बाद राज्य के विधानसभा, जितने भी राज्य है भारत में उन सब में विधानसभा यानी वहाँ के MLA, MLC नहीं, विधान परिषद नहीं, जैसे बिहार में या बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और पहले कश्मीर में क्या था, तो वहाँ पर दो थे, एक विधानसभा और एक विधान परिषद, जैसे कि केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होता है इसी तरह, लेकिन राज्य में केवल विधानसभा के ही निर्वाचित सदस्य वही वोट करेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश में, वैसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर मुख्यमंत्री होता है, तो कहाँ, तो दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये सब शामिल हो जाएंगे। अब ये लोग तो इसके वोटर हो गए, अब ये लोग मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। अब इसमें इन लोग का एक वोट का वेट रहता है और ये लोग वोट करते हैं, तो इसका प्रक्रिया कहाँ लिखा है, तो आर्टिकल 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया संबंधी उपबंध किया गया, बताया गया है कि निर्वाचन की प्रक्रिया ऐसे ऐसे होगा, और उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन ये निर्वाचन मंडल द्वारा कैसे, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है, यानी जो प्रत्येक राज्य है वहाँ के MLA तथा जो MP है इन लोगों का एक अपना वेट होता है। मतलब अगर कोई राज्य है, मान लीजिए सबसे छोटा राज्य सिक्किम, तो वहाँ पर सबसे कम आबादी है सिक्किम की, तो वहाँ पर जो वहाँ के MLA होंगे वहाँ की कुल जनसंख्या बटा MLA गुना 1000 भाग दिया जाता है, तो उससे प्रत्येक MLA के वोट का एक रेशियो मिलता है। अब रेशियो हो गया तो भारत में सबसे कम में अगर किसी का वोट का अगर वैल्यू है तो सिक्किम के MLA लोग का वेट का वैल्यू है, मतलब कि जितने MLA MP होते हैं इन सब का एक वेट होता है उनके वोट का, लेकिन सारे MP और राज्यसभा सदस्य इन लोग का वेट बराबर होता है, लेकिन राज्य में विधायकों के वोट का अंतर अलग अलग होता है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग वोट देंगे और इनके वोट का वैल्यू उनके जो ओरिजिनल वोट है उसमें इसको गुना कर दिया जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब कि हम लोग का वोट हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं ये वोट बदले में कर देते हैं।
कर दिए। इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, यानी सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, मतलब एक के बारे में वो सबके बदले में वोट अपना ट्रांसफर कर दिए। अब तब इससे क्या होगा, तो इस अनुसार इसका उत्तर कौन हो जाएगा, तो इसका उत्तर है यही एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा तो कौन कराएगा, तो जो भारत का मुख्य चुनाव कार्यालय है, निर्वाचन आयोग है भारत में, दो होते हैं, एक राज्यसभा राज्य निर्वाचन आयोग और एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग ही सारे काम करता है, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, एमपी के चुनाव, एमएलए का चुनाव यानी राज्य में जो मुख्यमंत्रियों का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ये सभी या विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव, ये सब का सब कौन कराएगा, तो भारत का चुनाव कार्यालय है वही कराएगा। और वहीं राज्य के चुनाव आयोग, इनका क्या काम है, तो ये ऐसा नहीं हो कि राज्य का चुनाव आयोग है तो राज्य का चुनाव कराएगा, नहीं, उसका अधिकार है केवल लोकल बॉडी का चुनाव कराना, जैसे ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं में जो चुनाव होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ राज्य के निर्वाचन आयोग करवाते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन है, तो भारत में राज्य विधान पालिकाओं, ये बात हो गया, जैसे कि केंद्र में क्या है, तो केंद्र में जिस तरह से पार्लियामेंट है उसी तरह से राज्य में क्या होता है, उसको कहा जाता है विधान मंडल। और भारत ये राज्य विधान पालिका या विधान मंडल हो गया, इसमें भी दो सदन होता है, एक विधान परिषद और एक विधानसभा। तो विधानसभा बराबर मान लीजिए लोकसभा, मतलब वो लोअर हाउस, और अपर हाउस यानी राज्यसभा बराबर ये विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। और किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर पर अधिकार प्राप्त हो गया था, तो कब से, जब उसके बाद से इनका चुनाव हर 5 साल पर होने लगा, यानी पहले नहीं होता था, राज्य सरकारें टाल मटोल कर देती थी, क्यों, क्योंकि संविधान में तो ऐसा लिखा नहीं गया था। तो यही है 73वां संविधान संशोधन, और किसके समय, तो प्रधानमंत्री थे पंडित नहीं पीवी नरसिम्हा राव, और कब, तो 1993 में इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर दिया गया और संविधान में एक नया भाग जोड़ दिया गया, भाग 9 ग्राम पंचायत के लिए, भाग 9 का एक क है, याद कीजिए भाग 9 का क, तथा एक नई अनुसूची, तो एक नई अनुसूची कौन, तो 11वीं अनुसूची, 11वीं ग्राम पंचायत और 12वीं तो नगर प्रशासन के लिए यानी नगर पालिका के लिए, और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है, तो भारत में अब देखते हैं कि है कौन, तो सहकारी समिति हाँ देती है, व्यापारी बैंक ये भी देते हैं, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक ये भी लोन देते हैं कृषक में, तो मतलब इसमें कोई नहीं होगा, सारे सारे तो सही हैं। अब आगे बढ़ते हैं, भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है, औद्योगिक वित्त का मतलब जो उद्योगों को ऋण दे या उनको पैसा दे, तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम हाँ देता है, नाबार्ड देता है, राज्य वित्तीय निगम देता है, लेकिन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये अलग बॉडी है। देख लेते हैं क्या क्या होगा इसमें, तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, तो इसकी स्थापना तो 1948 को हुआ था, और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य, तो देश में सार्वजनिक निजी तथा सरकारी क्षेत्र में बड़े उद्योगों के लिए दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराना है। 12 जुलाई 1982 को, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे महीने में, नाबार्ड, इसका स्थापना 1948 में ही, ये ओनली फॉर उद्योग, और दूसरा है नाबार्ड, तो इसकी स्थापना 1982 में किसके, तो शिवरामन समिति के अनुशंसा पर इसका गठन किया गया था, इसका तो नाबार्ड का। अब इसका कार्य, तो इसका कार्य कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों, हस्तशिल्पों और गांवों में अन्य आर्थिक उपलब्ध गतिविधियों के संवर्धन, नियमित कर्ज उपलब्ध कराने के लिए की गई थी, अतः ये भी तो उद्योग को कर्ज दे ही रहा है, कर्ज उपलब्ध कराने के लिए इसको की गई थी। छोटे उद्योगों के लिए वित्त प्रबंधन हेतु, अब छोटे उद्योग है उसको कौन लोन देगा, तो वित्त प्रबंधन हेतु सरकार द्वारा राज्य वित्त निगम।
की स्थापना की गई थी। और यह प्रस्ताव कब आया, तो ये पहले का है, 28 सितंबर 1951 को पारित किया गया था। और इस प्रस्ताव के तहत बहुसंख्यक राज्यों में राज्य वित्त निगम की स्थापना की गई। ये वैसे अपेक्षाकृत औद्योगिक इकाइयों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराते हैं जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कार्य क्षेत्र में नहीं, यानी जो इसमें नहीं आता है उसको इसके द्वारा लोन दे दिया जाएगा। और वैसे इकाई हैं जो उद्योगों में निवेश करता है, न कि उन्हें ऋण देता है। ये किसकी बात हो रहा थे, भारतीय यूनिट ट्रस्ट बचत को, यह बचत के लिए बनाया गया है। ये यूनिट ट्रस्ट ये बचत को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है और ये धन संग्रह करती है जो, और धन संग्रह कर क्या करेगी, तो ये उद्योगों में ये कंपनी स्वयं निवेश कर देगी, पैसा लेकर लोग को, मतलब कंपनी को पैसा डायरेक्ट नहीं देगी, वसूल कर बाजार से तब ये पैसा लगाती है। इसलिए इसका क्या होगा, तो ये सबसे ऑड है, यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और किस वर्ष में भारतीय रुपए को का महीने में 2 बार डिवेल्युएशन यानी अवमूल्यन किया गया, ये तो हर कोई जानता है जब भारत में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कब हुआ था, तो 1991 में। और याद आता है कि भारत में रुपया का अवमूल्यन पहली बार कब हुआ था, तो 1949 में पहली बार, दूसरी बार 6 जून 1966, और तीसरी बार यानी, और इसमें 2 बार तो 1991 में, पहली बार जुलाई में और उसके बाद फिर। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब है कि सरकार अपने से ही अपने रुपया का या अपने जो उनकी मुद्रा है उनका रेट घटा दे अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के सापेक्ष में। और भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घट गया था, तो ये चौथी योजना की घटना है, इसमें कीमत स्तर क्या हुआ था, तो घट गया था। क्लियर है, यानी मंदी का रुझान रहा होगा या रुपया मजबूत हो गया होगा। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है, यह न्यूनतम कोष प्रणाली पर, मतलब ये सरकार ने क्या घोषणा कर दिया है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 200 करोड़ रुपया यानी जिसमें 115 करोड़ का विदेशी मुद्रा होना चाहिए और दूसरा 85 करोड़ का सोना होना चाहिए, इसी आधार पर ये लोग नोट कितना भी छाप देते हैं। और बिहार के क्षेत्र में प्रतिशत के रूप में कुल वन, तो वर्तमान में बिहार में कुल वन कितना है, तो लगभग 7% है, पहले अधिक था जब झारखंड 7 में थी। इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है, तो गोड्डा रांची बोकारो सब झारखंड में शामिल हैं। और 1991 की नहीं, अब हम लोग पढ़ेंगे 2011 की जनसंख्या, तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात तो 11.33 के साथ भारत में दूसरे स्थान पर है, किधर से, तो नीचे से। और बिहार राज्य की मुख्य नकद फसल, तो ये हर कोई जानता है बिहार में अब यही चीज़ कुछ बचे क्या, तो गन्ना। चाय कहाँ की है, तो चाय असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की मुख्य नकदी फसल है। वहीं रबर, तो ये केरल की मुख्य नकदी फसल है। नारियल और कॉफ़ी, ये भी तो दक्षिण भारतीय राज्यों की यानी कर्नाटक की मुख्य नकदी फसलों में से एक है, तो गन्ना यानी ये बिहार के लिए बचा। और 105वें नंबर में क्या था, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीवन सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है, अब इसमें हजारीबाग यहाँ पर सही है बिहार है, तो ये है गया। अब गया में क्या क्या है भाई, तो गया में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य है, तो ये सही हो गया। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, तो यह अनुसूची 3 में है। और आर्टिकल कितना है, तो 12 से 35 तक विस्तार है, किसका, तो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का। और और ये 3 है, यानी 1 में क्या है भारत और इसके राज्य क्षेत्र, दूसरे में है यहाँ की नागरिकता, और तीसरे में है यही फंडामेंटल राइट यानी 3। आगे बढ़ते हैं 107वें नंबर, तो 42वें संविधान संशोधन कब, तो 1976 में हुआ था। और भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था, तो मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था, और किसके अनुशंसा पर, तो सवर्ण सिंह के अनुशंसा पर। और साथ में ही क्या हुआ था इसमें, तो 2 शब्द भी जोड़ दिए गए थे कुछ, कि संविधान में क्या, संविधान में कहाँ, तो प्रस्तावना में क्या क्या, तो धन निरपेक्ष है और एक कम्युनिज्म यानी सेकुलर और समाजवादी शब्द जोड़ दिया गया था।
आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? भारत सरकार को यही देंगे अटॉर्नी जनरल। और इनका वर्णन कहाँ मिलता है? तो केंद्र के 76(2) में, 76(2) आर्टिकल के अनुसार भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करें या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किया गए हो। अब ये किसके बारे में कथन है? तो ये अटॉर्नी जनरल, या कहा जाए तो ये है महान्यायवादी। तो अभी कौन है? तो के वेणुगोपाल, और भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी यही होता है। 109 नंबर क्या है आगे देखते हैं हम। तो संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति तो राष्ट्रपति। और ये कहाँ लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 316(1) में इसका वर्णन है कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, तो लोक सेवा आयोग तथा राज्य सेवा आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति संबंधी उपबंधित इसमें लिखा हुआ है, और जिसमें है कि लोक सेवा आयुक्त या दो से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग अगर है तो वहाँ पर राष्ट्रपति न लगाइएगा, वो है राज्यपाल करेंगे उसका नियुक्ति। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि कौन कर सकता है? तो ये संसद के पास अधिकार है। तो कब कहाँ? तो संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 124 124(1) में है क्या लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता और शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति है किसके पास? तो संसद के पास। और ऐसी विधि के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय का एक मुख्य न्यायमूर्ति और अभी तो कितने हो गए हैं, तो 33 से अधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। और मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने हैं? तो मात्र 7 अन्य न्यायाधीशों के पद का सृजन था। आगे बढ़ते हैं। और अभी कौन है भारत के मुख्य सीजीआई? तो अरविंद बोबड़े। आगे बढ़ते हैं। 111 नंबर भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत आता है। तो भूमि सुधारों का क्रियान्वयन आएगा, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन आएगा, लेकिन न्यायिक पुनरीक्षण ये बहुत बड़ा शब्द है और ये यहाँ पर इतना पावर नहीं दिया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था इस तरह का कार्य कर सके। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो पंचायती राज क्या करेगा? तो इससे शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा, इससे लोगों की हिस्सेदारी बढ़ेगी और समुदाय का विकास होगा। यानी सबके सब काम है किसके? तो पंचायती राज प्रतिनिधित्व प्रणाली के। और भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? तो अभी कौन? तो सेवा क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र सबसे अधिक, दूसरे नंबर पर द्वितीय क्षेत्र या विनिर्माण उद्योग, और सबसे कम जिसमें सबसे अधिक लोग लगे हैं यानी कृषि। और 114 भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा होता है? तो RBI सारे बैंकों का बैंक है और यही क्या करेगा? तो यही सारे नियम कायदे कानून और नोट का छापना, कटे फटे नोटों को लेना और बैंकों पर रेगुलेशन रखना ताकि ये बैंक बंद न हो जाए। और इनका स्थापना, तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को अन्य प्रमुख देशों के केंद्रीय बैंकों की रूपरेखा के आधार पर अंशधारियों के बैंक के रूप में की गई थी। और 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ? तो इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, यानी ये पहले प्राइवेट था। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल, तो हर घर में क्या बनता है? चावल। और चावल तो हर कोई खाता है, तो सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो चावल, चाहे नॉर्थ इंडिया हो या कश्मीर हो या बिहार हो या बंगाल हो, कहीं पे चावल तो लोग खाते ही हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 116 नंबर कौन सा ऐसा कर है, सॉरी हाँ कौन सा ऐसा कर है, ये पहले का क्वेश्चन है लेकिन जब था तो बहुत महत्वपूर्ण था, जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्यों में विभाजित कर दिया जाता है? तो यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क। क्लियर? लेकिन अब क्या हो गया? अब तो GST हो गया, और GST के भी
तीन भाग हैं, कौन कौन? एक है सी जी एस टी यानी सेंट्रल जी एस टी, मतलब सेंटर असूलेगा उसको या लगाएगा। एक होता है स्टेट जी एस टी यानी स्टेट उसको असूलेंगे, और एक होता है सेंटर और स्टेट, मतलब एक और एक होता है दोनों को, मतलब सेंटर और स्टेट यानी एक इंटर जीएसटी और इंट्रा जीएसटी। तो इंटर मतलब क्या कि केवल राज्य के अंदर, और इंट्रा मतलब एक राज्य और दूसरे राज्य दोनों के बीच में जो व्यापार होगा उसको वसूलेगा। तो कौन? तो वहाँ पर तो केंद्र आ जाएगी, तो वही वाली बात हो गई। अब 117 नंबर, भारत में राष्ट्रीय लेखा संपर्क एकत्रित किए जाते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय लेखा तो किस कौन करेगा ये सारा काम? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का है, और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कलकत्ता बेस्ड है। और वर्ष 1991 की, सॉरी अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अर्थव्यवस्था में जन्म दर है। तो जन्म दर तो अब 21वीं आएगी, और अभी क्या है तो अभी 27 प्रति हजार नहीं है। अभी इसको कहा जाए तो 17 मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय व्यापार आती है, मतलब भारत में सबसे अधिक निर्यात, या भारत सबसे अधिक आयात किससे करता है? तो हर कोई जानता है भारत का सबसे अधिक आयात चीन के साथ है, और यही बार बार मैटर रहता है कि भारत को चीन से घाटा हो रहा है, वहीं भारत सबसे अधिक निर्यात कहाँ करता है? तो यूएसए यानी अमेरिका को करेगा। और बिहार में कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत, कृषि के अंतर्गत कितना क्षेत्र भारत में, बिहार में खेती होता है, ये बिहार की बात हो रहा है, तो लगभग 95 लाख हेक्टेयर। और यहाँ ये वर्गीय क्वेश्चन कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो यहाँ विनोबा भावे ये पहले सत्याग्रही थे, और दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे, और कब? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कब? तो 1940 ईस्वी में हुआ था, क्लियर है। और ये क्या था? तो ये अहिंसक कार्य था इसमें, कि अगर गांधी जी या कांग्रेस उस समय इतना सशक्त नहीं था कि सारे लोग एक साथ बड़ा आंदोलन कर सके, तो गांधी जी ने क्या किया कि इंडिविजुअल ही एक पट्टी पढ़ा दिया कि आप लोग सत्याग्रह शुरू कर दीजिए। तो ये पहले सत्याग्रह विनोबा भावे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। किस दृष्टि से कृषि प्रस्ताव एक क्या था? तो टूटे हुए बैंक के नाम पर उत्तर दिनांकित चेक था। तो किन्होंने कहा था? ये कहा था इन्होंने महात्मा गांधी ने। मतलब इनका मकसद क्या था कि इंग्लैंड तो खुद डूब रहा है, और वो क्या खाक हम लोग को घोषणा करेगा कि हम युद्ध जीत जाएंगे तो हम आपको आज़ादी, क्या आज़ादी तो नहीं लेकिन डोमिनियन स्टेट पर विचार करेंगे, वही वाली बात थी। इस पर महात्मा गांधी को मजाक उड़ाया था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो कहाँ? तो 1942 ईस्वी में, कहाँ? तो 8 अगस्त 1942 को, और कहाँ? तो बम्बई के ग्वालिया टैंक से। और इसमें गांधी जी ने नारा दिया था, क्या नारा दिया था कि भारत करो या मरो, यानी डू और डाई, मतलब कि हम या तो आज़ाद होंगे चाहे नहीं तो मर जाएंगे। और उससे पहले अगस्त से पहले जुलाई, तो जुलाई में गांधी जी ने वर्धा में प्रस्ताव पेश किया था। उस समय कांग्रेस वालों ने नाक नुकर करना शुरू किया, तो गांधी जी ने कहा था कि मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा और इस देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा एक संगठन खड़ा कर दूंगा। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ये किए थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को 1939 ईस्वी में अध्यक्ष पद तो ये जीत गए थे, लेकिन इनको गांधी जी से विवाद हो गया। अब क्या होगा? ये विवाद हो गया तो पर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दी और एक नए पार्टी का गठन किया था, उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। और दांडी यात्रा की गई थी, तो दांडी यात्रा 1930 में, और कब? तो दांडी यात्रा की गई थी 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच में, क्लियर है। और इसमें सहयोगी कितने हैं? 12 क्वेश्चन आता है, तो 78 सहयोगी। और शुरू कहाँ? तो साबरमती आश्रम यानी अहमदाबाद से, और ये कहाँ खत्म होने वाला था? तो दांडी में। और कब खत्म हुआ? तो 12 मार्च 1930 को खत्म हो गया, यानी 12 मार्च 1930 से आरंभ हुआ और 6 अप्रैल 1930 को जाकर दांडी में समाप्त हुआ था। और इसका मूल लक्ष्य क्या था कि शो करना कि हम आज़ाद हैं, और नमक तो एक बहाना था कि नमक कर नहीं लगाना है, नमक तो हमारा अपना खजाना है, बड़ी बात थी। आगे बढ़ते हैं, तो 26 नंबर,
सचिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? इनमें से कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि सचिदानंद सिन्हा कुछ अलग से आते हैं। तो कहाँ से आएंगे सचिदानंद सिन्हा? तो सचिदानंद सिन्हा का नाम सबसे प्रमुखता से कब लिया जाता है? तो सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था कि ये क्या थे, तो भारत में जो संविधान सभा बना था उसका ये उपाध्यक्ष थे। तो मुख्य रूप से हम लोग इनका नाम यहीं पे पढ़ते हैं और बाकी जगह कुछ, क्योंकि ये उस कहाँ से जुड़े थे, तो ये संसद से या संसदीय समिति या लोकसभा राज्यसभा जो आज होती है ना, उसी तरह से कार्यकारिणी समिति में बहुत दिन तक रहे थे। और इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ या जुड़े हुए थे? तो किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़ेंगे? तो क्वेश्चन के अनुसार राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है, बाकी सब तो बिहार से जुड़े ही नहीं है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी तो कहाँ हुई थी? पटना के अंजुमन इस्लामिया कॉलेज में। और इसके अध्यक्ष और सचिव का क्वेश्चन आता है बार बार, तो अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव, और सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ते हैं, और कब? तो 1934 की बात है। और वंदे मातरम गीत लिखा गया था, तो वंदे मातरम गीत किन्होंने लिखा था? तो हर कोई जानता है, बंकिम चंद चटर्जी ने अपने बंगला उपन्यास, क्या नाम है उसका? तो आनंद मठ में। कब? तो 1882 ईस्वी में लिखा था। और इसमें क्या, इसमें इन्होंने सन्यासी आंदोलन के दौरान उस समय के जो बहुत सारे नेता थे वो जो इनका कलाकार था वो क्या था, वो सन्यासी आंदोलन या सन्यासी था। और 1896 के कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता में किया हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहवा, तो 12वां हुआ था, और इसमें इसको पहली बार गाया गया था। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? तो हर कोई जानता है, ये थे लाल बाल पाल के। कौन? तो बाल गंगाधर तिलक, बहुत ही गर्मपंथी विचार वाले। और यह कहाँ भाषण दिए थे? तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, जब नरम पंथ और गरम पंथ का पैक्ट हो गया था। कहाँ? तो लखनऊ अधिवेशन 1916। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजुमदार। और इसी समय हिंदू मुस्लिम पैक्ट, यानी कांग्रेस और मुस्लिम पैक्ट भी हुआ था। कहाँ? तो लखनऊ अधिवेशन में। और इस बार भी फिर लखनऊ महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि लखनऊ में इस बार लखनऊ पैक्ट हुआ है, जो इंडिया प्लस 50 अफ्रीकी देशों के साथ। और यह भारत, कहा जाए तो भारत उनको मुख्यतः आतंकवाद विरोधी, या कहा जाए तो उनको सुरक्षा के लिए भारत सरकार जो व्यवस्था करनी होगी, जो ट्रेनिंग देना होगा, या परोक्ष रूप से कहिए तो हथियारों की आपूर्ति करेगी। 131 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन थे? तो यही एओ ह्यूम, इनको बहुत सारे पढ़ चुके हम लोग। बंगाल का विभाजन हुआ था कब? तो 1905 में रद्द कर दिया गया, तो जब 1912 में प्रिंस आए थे, कहाँ? तो दिल्ली घोषणा में, वो रद्द कर देते हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि चलो अब धर्म के आधार पर नहीं, अब हम लोग भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे। और बंगाली एक तरफ हो गया, और हिंदी भाषी मुख्यतः बिहार और उड़ीसा को काटकर एक नया राज्य बनाया गया था, जिसकी राजधानी क्या थी? तो पटना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था तो मुंबई में, ये हर कोई जानता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक थे, मदन लाल थे, ऊधम सिंह थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के गुरु माने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? ये लंदन गए थे, यानी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में गए थे, और आकर कहा इन्होंने कि मैं खाली हाथ तो लौटा हूँ, लेकिन अपने देश का नाम नीचे नहीं होने दिया हूँ। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1931 की बात है, और 31 में कब? तो 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर हुआ था, और इसके परिणाम स्वरूप इसको क्या कहा गया? तो दिल्ली समझौता। और इसी समझौते के परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ था उसमें भाग लेने महात्मा गांधी गए थे, और असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया। कब? तो ये 1920 की बात है, और इसका आरंभ में क्या था? खिलाफत आंदोलन से शुरू हुआ था, और कब? तो 1 अगस्त 1920 को आरंभ हुआ था। इसी दिन तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। इस आंदोलन को गांधी जी द्वारा बंद कर दिया गया कब? तो 5 फरवरी 1922 को, जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के चौरी चौरा नामक गांव में हिंसक भीड़ ने क्या किया? तो एक पुलिस चौकी में आग लगा दी, और इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, जिससे गांधी जी दुखी हो जाते हैं और इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बिहार के रहने वाले हैं, हर कोई जानता है।
और भारत के पहले राष्ट्रपति थे। 39 नंबर, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय बहुत तोड़ फोड़ करने के कारण ये राष्ट्रीय स्तर के एक जाने पहचाने नेता बन गए। अब आगे बढ़ते हैं, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में? तो बिरसा मुंडा झारखंडी थे। और इसी के साथ हम लोग का एक कैमरा, तो 44वीं बीपीएससी प्री का जो एग्जाम हुआ था उसका एक क्वेश्चन हमने देख लिया। अब बचे 10, ये 10 मैथ है, ये हल्के होते हैं, इसको एक अलग से बनाना पड़ता है, तो अलग से बनाएंगे। अब हम इसके बाद हम लोग 45वीं बीपीएससी प्री का जो एग्जाम हुआ था कब, तो 2002 की बात है, सॉरी हाँ कहाँ गया, तो उसका अध्ययन करेंगे, क्लियर है। और वो एक नए वीडियो में उसको लाते हैं, तब तक धन्यवाद। और आशा करते हैं कि अगर अच्छा लगे, अगर यहाँ तक देख पाए होइएगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।